अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने स्मोक पर काबू पाने समेत फसलों की बाकियात के लिए पाकिस्तान की तैयार करदा मशीन की भारत को पेशकश कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर में मौजूदा स्मोक का मसला भारत की वजह से है। जलंधर और अमृतसर में फसलों को बड़े पैमाने पर जलाया जाता है जिससे स्मोक का मसला पैदा होता है। भारत हमसे ये मशीन ले ले जिससे जलंधर, दिल्ली और लाहौर में स्मोक कम हो जाएगी, क्योंकि स्मोक की वजह से आम आदमी मुतासर हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का हो या लाहौर का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तोहीन अदालत केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से कहा, क्या आपको कुछ एहसास हुआ जो आपने कहा? आपने हुकूमत के मेडिकल बोर्ड पर एतराज उठाया था, जिस पर गुलाम सरवर ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से कोई केस जेरे अल्तवा नहीं, जबकि मेरा सियासी बयान था मुस्लिम लीग के खिलाफ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी नहीं, आप वफाकी वजीर हैं, आप ऐसा बयान नहीं दे सकते। वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं और वफाकी वजीर कुछ और, आपने अपनी हुकूमत पर उंगली उठाई है। पंजाब असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन न बनाने पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने एहतजाजन कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए पंजाब असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तहम 14 माह गुजरने के बावजूद ऐसा न हो सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नदीम, कामरान समीउल्लाह खान, इकबाल गुजर और जिशान रफी ने 100 अरकान के इस्तीफे पंजाब असेंबली में जमा करा दिए। खान बेला असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल का DSP सर्कल गुलाम दस्तगीर खान के हमरा तहसील भक्कर की सब्जी मंडी का दौरा, रेट लिस्ट और क्वालिटी का जायजा लिया। सुबह के वक्त सब्जी मंडियों में लगने वाली बोली में शरीक होकर तमाम मामलात पर कड़ी नजर रखी। इस बारे में DPO गुलाम दस्तगीर खान और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने बताया कि इंतजामिया सब्जियों और फलों के बढ़ते नरखों को कंट्रोल करने और आम आदमी की कुव्वत खरीद में लाने की भरपूर कोशिश में है। इंशाल्लाह बढ़ते नरखों को मुकम्मल कंट्रोल में लाकर ही दम लेंगे। तहम इस मामले पर इंतजामिया का हरकत में आना आम आदमी और दिहाड़ीदार तबके के लिए हौसला अफजाई और एक उम्मीद का सबब है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।